नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई दुबई के बारे में, यूएई के बारे में। जी हाँ भाई, इंडिया वीएस दुबई या यूएई समझ सकते हैं। इसमें अब देखेंगे कुछ चीज़ें कि कितनी महंगाई ज़्यादा है। यानी कई बार बोलते हैं कि ये चीज़ नहीं होने की वजह से महंगाई ज़्यादा बढ़ती है, लेकिन उल्टा हो रहा है। आप सोचेंगे बहुत सारे लोग ट्रेवल के लिए जाते हैं, टूरिस्ट के लिए जाते हैं, या आप लोग कमाने के लिए भी जाते होंगे। तो आप अगर दुबई में हैं तो आपको सब चीज़ों को पता है। बाकी मैं सिर्फ आपको एक मोटा आइडिया दे रहा हूँ, कोई एग्जिट कोई लिखित में नहीं है कि नहीं इन्होंने मैंने जो बोल दिया वही वहाँ पर रेट मिल रही है या इंडिया में ऊपर नीचे हो सकता है। सिर्फ आपको एक मोटा मोटा आइडिया मिल जाए कि इंडिया की बजाय दुबई में कौन सी चीज़ें कितनी महंगी है अगर हम तुलना करें तो। और जैसे गल्फ देशों की बजाय हम दूसरे देशों की बात करेंगे, मलेशिया से रिलेटेड वहाँ पर कितना सस्ता है। जी हाँ, तो भाई वीडियो पूरा देखिए, ये सिर्फ आपके जनरल नॉलेज के लिए मैं जानकारी देने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। अगर इंडिया की देखा जाए तो सबसे ज्यादा लोग दुबई में रहते हैं, चाहे वो टूरिस्टर हैं घूमने के लिए जाते हैं या फिर बिजनेस के लिए या फिर जॉब से रिलेटेड। जी हाँ, सबसे ज्यादा लोग दुबई में यूएई में हैं। अपन बात कर लेते हैं कि जैसे महंगाई, अगर महंगाई की बात करें जैसे दुबई की, यूएई की जो दुबई है एक हब है, आपको पता है। जैसे इंडिया में दिल्ली की बात कर लेते हैं तो दिल्ली के बजाय दुबई में 128% ज़्यादा महंगाई है। जी हाँ, हालांकि लोग बोलते कमेंट में या फिर ऐसी बहस छिड़ जाती है कि दुबई में पेट्रोल सस्ता है, तेल सस्ता है, डीजल सस्ता है, इंडिया में बहुत महंगा है। तो भाई वो अलग, इंडिया इसको छोड़ के और क्या है। ठीक है, दुबई में इंपोर्ट होता है, महंगाई है, मानते हैं हम इस चीज़ को, जबकि सभी देशों में ऐसा है। वहाँ तो भाई पानी से सस्ता पेट्रोल, आप सबको पता ही होगा, डीजल है। लेकिन इसके अलावा अगर आप यूएई में रहते हैं, मकान में लेके, रूम से लेके, दिल्ली से 400 गुना ज़्यादा महंगा है दुबई में। जी हाँ, आपने आप रहते होंगे और आपको पता होगा, एक 10x15 का रूम, 10x10 के रूम में एक बेड स्पेस को लेने के लिए आपको महीने के 10 से 15 हज़ार रुपये देने पड़ सकते हैं। 500 दराम में अच्छा रूम आपको एक बेड स्पेस, सिर्फ एक बेड की जगह मिलती है 500 रुपये महीने में, जिसको कैलकुलेशन करते हैं तो इंडिया के 10-11 हज़ार रुपये हो जाते हैं। जी हाँ, अगर एक रूम लेके आप रहते हैं तो उसको आप मल्टीप्लाई कर लो, कम से कम 50 से 60-70 हज़ार रुपये एक रूम के महीने के आपको देने पड़ सकते हैं। जबकि दिल्ली में वही 25-30 हज़ार में बढ़िया फ्लैट आपको मिल सकता है, पूरा फ्लैट 2 BHK, और वो भी मेन सिटी में। अगर दिल्ली से बाहर जाओगे तो और भी सस्ता आपको मिल जाता है 10 से 15 हज़ार में। तो कहने का मतलब है दुबई दिल्ली से रूम रेंट के मामले में 400 गुना ज़्यादा महंगी है। जी हाँ, अगर इसी से बात करें मलेशिया से रिलेटेड, मलेशिया में 2018 में गया था मैं, 2017 में भी गया था, वहाँ पर देखा था यार 50 रिंगिट में आपको होटल में रूम मिल जाता है 24 घंटे के लिए। 50 रिंगिट का कितना होता है, लगभग 900 रुपये होता है, वहाँ पर 18 का भाव चलता है, 850-900 रुपये बनता है। यही रूम अगर आप होटल दुबई में लेते हैं तो, मुझे मैंने दुबई में भी रूम लिया था 200 दराम, वो भी कोरोना काल में 200 दराम में दिन का, यानी इंडिया का आप समझ सकते हैं 4000 प्लस पर डे मिलता है, और मलेशिया में वही रूम आपको मिल जाता है 900 हज़ार रुपये में, इतना डिफरेंस आता है। अब आप बोलोगे यार दुबई में तो मकानों की कमी नहीं, आप सबको पता है दुबई में सबसे ज़्यादा 80% काम कंस्ट्रक्शन का है, बाकी 20% पूरी यूएई में चलता है, फिर भी वहाँ पे महंगाई सबसे ज़्यादा है। जी हाँ, कुछ हम घरेलू चीज़ें जैसे अपन दैनिक यूज़ में लेते हैं, एक मोटा मोटा आइडिया मैं देने की कोशिश करूँगा। बीयर की बोतल की बात करें तो 96 दराम की है। जी हाँ, अगर बात करें तो 920 रुपये इंडियन करेंसी बनती है, वही इंडिया में अगर आप उसको खरीदते हैं तो 150-150 रुपये में मिल जाती है। कोको पेप्सी, ये कौन सी पेप्सी होती है भाई, आप अगर वे में रहते हैं तो आपको पता होगा, लगभग 50 दराम की आती है। इंडिया में अगर करेंसी देखें तो 950-900 से 1000 रुपये की मिलती है, लेकिन इंडिया में कितना की मिल जाती है। अगर कोको पेप्सी की बात करें बोतल की तो सस्ती है, बाकी कोक पेप्सी अलग आती है। जी हाँ, पानी की बोतल की बात कर लेते हैं भाई, 150 दराम कम से कम लगता है 30 रुपये में। इंडिया में 10 रुपये से बोतल स्टार्ट हो जाती है, 20 रुपये में ठीक ठाक अच्छी वाली बोतल मिल जाती है 20 लीटर की। जी हाँ, दूध की बात करें तो 6 दराम का दूध आता है 120 रुपये किलो का। इंडिया में अगर वही बात करें तो 35-40 रुपये किलो में आराम से आपको दूध मिल जाता है। चावल की बात करें तो 7 दराम कर पर के जी, अगर 140 रुपये के करेंसी जोड़ें और वही अगर चावल अपन इंडिया में लेते हैं तो 40 रुपये से 80 रुपये किलो में आराम से अच्छे चावल आपको मिल सकते हैं। अंडे की बात करें तो 9 दराम का आते हैं भैया, जिसको 180 रुपये बन जाता है। इंडिया में कितने आते हैं अगर आप अंडे खाते हैं तो आपको पता होगा। पनीर की बात करें तो 32
दराम, जी हाँ, पर केजी इसमें यहाँ पे भाव बताया गया 650 रुपए किलो, जबकि इंडिया में आधे रुपए में ये मिल जाता है आराम से। की बात करें तो 750 दराम, जी हाँ, लगभग 150 रुपए किलो है, लेकिन ये इंडिया में अगर देखा जाए तो 80 रुपए किलो में आराम से आपको मिल जाता है। संतरे की बात करें तो भाई संतरा आपको पता है इंडिया में सीजन के बाद में 100 रुपए की 3 किलो मिल जाते हैं, जबकि यहाँ पे अगर बात करें तो 6 दराम का किलो का 120 रुपए किलो मिलते हैं दुबई में। जी हाँ, टमाटर की बात करें तो 4.5 दराम पर केजी है, अगर इंडिया 90 रुपए हो गए, अगर इंडिया में देखें तो आपको पता है 40 रुपए 35 रुपए किलो में आराम से मिल जाता है। आलू की बात करें तो भैया 70 रुपए किलो है दुबई में, जबकि इंडिया में 15 रुपए किलो 20 रुपए किलो अच्छे से मिल जाते हैं। प्याज की बात करें तो 3 दराम से प्लस है, यानी 60 रुपए किलो है, इंडिया में 15 से 20 रुपए किलो में आराम से मिल जाते हैं। जी हाँ, शराब की बात करें तो 50 दराम में शराब की बोतल आती है, जो इंडियन करेंसी 1000 बन जाती है, वही अगर आप इंडिया में खरीदते हैं तो 400 रुपए के लगभग आ जाती है। जी हाँ, अब इसको कैलकुलेशन करते हैं क्या टैक्स, ये टैक्स भैया इसी में इंक्लूड होता है, बाकी आपको पता है यार कोई भी सरकार अगर टैक्स नहीं लेगी तो वो देश चलेगा कैसे, सोचने की बात है ना। वो इनडायरेक्टली सरकार अलग से टैक्स जोड़ती है, इसमें इनडायरेक्टली टैक्स जुड़ जाता है, तो कहीं ना कहीं लोगों को पता नहीं लगता। बाकी दुबई महंगा है, यूएई महंगा है, गल्फ देश सभी महंगे हैं, दुबई, कतर, मस्कत, बहरीन, कुवैत, कहीं चले जाओ सभी के सभी देश महंगे हैं। इनकी बजाय अगर आप यूरोपियन कंट्री में, बहुत सारी ऐसी कंट्रियाँ हैं, वहाँ जाओगे तो इंडियन करेंसी के बराबर वहाँ आपको भाव मिल जाते हैं, इंडियन करेंसी के बराबर वहाँ पर आपको चीज़ें मिल सकती हैं, लेकिन इन देशों में भैया महंगी है। एक चाय पीते हो तो कम से कम 2 दराम की आती है, आप समझ सकते हैं 2 दराम के कितने पैसे बनते हैं भैया। एक दराम की नॉर्मल चाय आती है, 1.5 दराम 2 दराम में अच्छी वाली 40 रुपए की चाय मिल जाती है। जी हाँ, जबकि कहने का मतलब यह है कि महंगाई है यूएई में, दुबई में। अगर आप लगते हैं कि भाई आप दुबई जाना चाहते हैं घूमने के लिए, या फिर आप वहाँ पे रहते होंगे, आपको भी कुछ चीज़ों का अगर भाव का पता है तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखना, ताकि लोगों को पता लग सके। बस ये छोटी सी जानकारी आपको इन्फॉर्मेशन के लिए देनी थी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जानकारी के साथ।